नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अब की बार गर्मी ने तोड़ दिया अपना सारा पुराना रिकॉर्ड। दिल्ली में पारा 48 डिग्री पर पहुंचा तो राजस्थान के कई इलाकों में 50 के पार। लेकिन सबसे ज्यादा त्रासदी यह है कि इस गर्मी में आसमान से उतरे शोले जानलेवा बन गए हैं। पूरा का पूरा उत्तर भारत धधक रहा है। देश की राजधानी पर गर्म सितम, पारा 48 डिग्री। मध्य प्रदेश के नौगांव में गर्मी पारा 49 डिग्री। राजस्थान के चूरू में सारे रिकॉर्ड चकनाचूर, पारा 50 के पार। ये तो महज सूरज के ताप और हवाओं के गर्म तेज के सितम की झलक पर है, नहीं तो आलम ये है कि आधा हिंदुस्तान जल रहा है। राजस्थान से बिहार तक भीषण ताप में झुलस रहा है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सूरज आग उगल रहा है। गर्मी अपने पिछले सारे रिकॉर्ड की मर्यादा तोड़ती जा रही है। सड़कों पर सूरज ने कर्फ्यू लगा रखा है। सोचा था 5 साल का रिकॉर्ड टूटा है, क्योंकि इसलिए सोचा था कम ही पड़ेगी इस बार, थोड़ी बहुत बारिश भी होनी थी जो कि नहीं हुई है, तो काफी गर्मी है। कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहे हैं, सोच रहे हैं कहीं घूमने जाना है तो इतनी गर्मी के कारण सब लोग अपने घर पे ही बैठ रहे हैं। बाहर निकल रहे हैं हम लोग, नकाब ढक रहे हैं, कपड़े ढक रहे हैं, मुंह में सिर में ढक रहे हैं ताकि उस गर्मी से कुछ न कुछ बचाव हो। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हम लोग पानी पी रहे हैं ताकि बीमार न पड़े इस गर्मी से। सबसे ज्यादा तो लोग अधिक से अधिक पानी पी रहे हैं, नींबू पानी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन गर्मी अधिक है। जून का महीना इस बार पूरी तरह जलाने के मूड में आ गया है। न कोई रहम, न कोई राहत, बस कहर ही कहर, शहर दर शहर। घर से बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं है। शहरों का नाम बदलिए, लेकिन गर्मी अपना काम हर जगह एक सरीखा कर रही है। झांसी में तो गर्मी जान लेने पर उतर आई। तमिलनाडु के कुन्नूर में 75 लोगों का ग्रुप घूमने गया था, जिनके 5 साथियों को गर्मी निकल गई। ये लोग केरल एक्सप्रेस से दिल्ली से झांसी की ओर जा रहे थे, जहां रेल में गर्मी और दम घुटने से इनकी जान चली गई। ये लोग अपने कुटुंब जा रहे थे आगरा से केरल एक्सप्रेस से। एक आदमी का अचानक तबीयत खराब हो गई, सूचना मिली, सूचना पर जाकर वहां देखा तो वहां पर 3 आदमी की डेथ हो गई थी। एक आदमी बीमार था, उसको उतार करके उसमें भेजा, उसकी वहाँ उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई मेडिकल में। मौत का कारण बताया जा रहा है अधिक गर्मी। रीजन टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, आगरा ट्रेन हाई टेम्परेचर, दैट्स ऑल वेयर। ट्रेनों में अधिक गर्मी और दम घुटने की वजह से यात्रियों की मौत होने की ये पहली घटना नहीं है। इसके पहले 15 दिन के अंतराल में 2 और यात्रियों की भी इसी तरह मौत हो गई थी। लेकिन सवाल ये है कि प्रचंड गर्मी की आहट तो पहले से थी, लेकिन हर बोगी में मसाज की सुविधा देने का दावा करने वाली सरकार क्या किसी यात्रा के इलाज का न्यूनतम इंतजाम भी नहीं रख सकती? वैसे इंतजाम हमने अपनी कुदरत को बचाने के लिए भी कहां कुछ किया है। झीलों के शहर भोपाल में झीलों का दायरा सिकुड़ता जा रहा है, जो बता रहा है कि गर्मी की मार पानी पर हाहाकार के रूप में उभर सकती है। मध्य प्रदेश में आसमान से आग बरस रही है, सड़कों पे आप देख सकते हैं। ये भोपाल का मशहूर टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ पे राजा भोज की मूर्ति लगी हुई है और ये एक तरीके से भोपाल की पहचान है। बड़े तालाब पे ये सेल्फी पॉइंट माना जाता है और यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग सुबह से पहुँचते हैं फोटो खींचने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं तालाब तो सूख ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही इस पर्यटन स्थल की तस्वीर भी पहले के मुकाबले अब बिल्कुल उलट है। तेज लू चल रही है, धूप है काफी ज्यादा और तापमान इतना ज्यादा कि लोग अब अपने घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। गर्मी से राहत के लिए लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग उगलती गर्मी से राहत पाना इतना आसान नहीं। इतना एक्सट्रीम हॉट मैंने भोपाल में पहले नहीं देखा, शायद 10 साल के बाद यहाँ पे इतनी जबरदस्त गर्मी पड़ी है। और गर्मी से बचाने के लिए हम लोग मतलब धूप में फेस कवर करके चल रहे हैं और लाइक गॉगल्स लगा के जा रहे हैं। मॉर्निंग में 8 बजे इतना एक्सट्रीम हॉट होता है यहाँ पे। गर्मी तो भैया बहुत पड़ रही है, हम लोग खुद मार्केटिंग स्टूडेंट है तो हम लोग तो पूरे दिन से मतलब 1 महीना हो गया फेस कर रहे हैं गर्मी को। झारखंड का पलामू जिला देश के टॉप 10 गर्म शहरों में आ गया। गर्म हवाओं ने घरों से बाहर निकलने वालों को झुलसाया तो घरों में उमस के चलते लोगों का बैठना मुश्किल हो गया।
लू का प्रकोप जो है सुबह 9 बजे से बढ़ गया है और जो गर्मी है, गर्मी में लोगों का निकलना मुश्किल है। हम लोग तो सुबह 9 बजे निकल रहे हैं तो पूरा सिर्फ गमछा वगैरह बांध करके निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने तो हरियाणा और चंडीगढ़ तक पर रेड अलर्ट घोषित कर दिया है। आज तक राजस्थान तो सही मायने में रेगिस्तान बन गया है, क्योंकि ये गर्मी वहां से ऐसी उबाल मार रही है जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त नहीं, जिंदगी पिघल जाए ऐसी स्थिति बन चुकी है। राजस्थान का शहर दर शहर गर्मी की ताप झेल रहा है, बस एहसास में कि जल्द से जल्द इससे राहत मिले। इस गर्मी में सबसे ज्यादा राजस्थान उबल रहा है। राजस्थान में गर्मी के हालात ऐसे हैं कि टंकी के पानी में ही चावल भी उबल सकता है। यकीन नहीं होता तो धौलपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि राजस्थान के धौलपुर में गर्मी कैसे आग बरसा रही है। टंकी के पानी में जब चावल पक सकते हैं तो सोचिए पानी की टंकी के अंदर का पानी धूप में कितना गर्म रहा होगा। गर्मी के मिजाज कुछ तेवर अलग ही हैं, तापमान बहुत पहुंच चुका है, टंकी का पानी एकदम खोल रहा है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, गर्म हवाएं सुबह शाम। घर से निकलते के आदमी की हिम्मत खत्म हो जाती है, धूप देख के कोई काम पे नहीं जा पा रहा है, ना कोई घर महल्ले में पानी आ रहा सही सलामत। राजस्थान में गर्मी की गहराई नापती एक और तस्वीर देखिए। इस शख्स ने चिलचिलाती धूप में कच्चा अंडा थाली में खुले आसमान में रख दिया। चंद पलों में अंडे ने ऑमलेट की शक्ल ले ली, गैस जलाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आसमान से बरसती आग ने अपना काम कर दिया। ये तस्वीरें चूरू में भीषण गर्मी की गवाह है। चूरू इस वक्त देश का सबसे गर्म शहर है जहां पारा 50 डिग्री के पार पहुंच गया है। यहां पर देखिए इतनी तेज गर्मी है, यहां पर इतनी गर्म ये मिट्टी जल रही है और ये मिट्टी के अंदर आमलेट बनकर तैयार हो गया है। गर्मी में ग्रहण से बचने के लिए जानवर तालाब में उतर गए हैं। पारा 48 डिग्री है, घर से कदम बाहर पड़ते ही गर्मी घेर लेती है, सूरज की किरणें शरीर को जलाने लगती है। कोचिंग सेंटर का हब कहे जाने वाले कोटा में भी गर्मी का कहर छात्रों को सता रहा है। पढ़ाई के बीच गर्मी भी परीक्षा ले रही है। कोटा में भी तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया है। टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है तो सबसे, और हमें रोज आना जाना है तो एट द एंड ऑफ द डे हमें हेल्थ का ख्याल रखना है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है और सॉल्टी और बहुत स्पाइसी चीज से दूर रहना है। बहुत ज्यादा गर्मी है लेकिन हमें बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ यहाँ पे आके पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, इसलिए इतनी धूप में थोड़ी गमछे बांधने पड़ते हैं, मुंह पूरे ढक के आना पड़ता, नहीं तो फिर बीमार होने की बहुत ही चांस ज्यादा हो सकते हैं। राजस्थान के ज्यादातर जिले गर्मी की चपेट में है। कूलर, एसी, पंखे इस गर्मी के आगे दम तोड़ रहे हैं। ऊपर से बिजली कटौती और पानी की किल्लत ने हालात और मुश्किल कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 24 घंटे में धूल भरी आंधी के साथ कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। हल्की बारिश से कुछ खास असर तो नहीं होगा लेकिन राहत की एक उम्मीद ही अभी बहुत कुछ है। चूरू से विजय चौहान और धौलपुर से उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। ये गर्मी ऐसी है कि छाया भी छाया तलाश रही है और पहाड़ों की ठंड भी जानलेवा गर्मी में पिघल रही है। इसीलिए कहीं लोग इंद्र देवता को मनाने के लिए हवन पूजन कर रहे हैं तो कहीं सारी उम्मीदें छोड़ मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन गर्मी है कि बख्शने के मूड में नहीं दिखती। कहीं मॉनसून के लिए पूजा पाठ, लगभग पूरे देश पर गर्मी का ऐसा ग्रहण लगा है कि जून में चैन से 2 घड़ी दम लेना भी दूभर हो गया है। एक तरफ मॉनसून की देरी, उस पर भीषण गर्मी, लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इस गर्मी से कैसे बचें, क्यों नहीं बादल बरस रहे। देश के ये 5 बड़े शहर गर्मी की चपेट में हैं। शिमला से लेकर भुवनेश्वर तक गर्मी का प्रचंड प्रहार है। जो बादल अक्सर 1 जून तक आकर हिंदुस्तान की धरती की प्यास बुझाते थे, उनकी दस्तक अब तक नहीं हुई है। मॉनसून के इंतजार में लोग गर्मी का प्रहार झेल रहे हैं और गर्मी के नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। आज दिन के तापमान थे जो, वो भी मैक्सिमम टेम्परेचर थे, वो सामान्य से ज्यादा रहे। अमृतसर च बहुत गर्मी पड़ रही है, वेरी हॉट। अभी हम लोग का वॉच में है बट अभी फेवरेबल कंडीशन मॉनसून का नहीं है। अब की बार तो पहाड़ भी पनाह मांग रहे हैं। हिमाचल के ऊना में गर्मी ने 14 साल का रिकॉर्ड तोड़ा तो शिमला भी ठंडी वादियों में बुला नहीं रही है। गर्मी से बचने के लिए जिन लोगों ने पहाड़ों का रुख किया
वो जाम में ऐसा फंसे मानो पूरे देश को गर्मी का संघर्ष पहाड़ों पर खींच लाया है। पहाड़ों पर सिर्फ गर्मी और जाम ही नहीं बल्कि जंगल की आग ने भी लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। आगरा किले के बगीचे को बर्बाद करते इस आग ने पारा और बढ़ा दिया। अब लोग बचे तो कैसे बचे? इस गर्मी से लोग इस कदर त्राहिमाम कर रहे हैं कि समझ नहीं पा रहे कि राहत कैसे मिलेगी। लेकिन एक आफत अरब सागर से भी उठने वाली है और वो जब उठेगी तो राहत ला सकती है। अरब सागर में उठता कम दबाव का क्षेत्र अगले 24 घंटे में खतरनाक इशारे कर रहा है। गर्मी से राहत तो अभी ठीक से मिलेगी नहीं, लेकिन चक्रवाती तूफान के कारण गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में 13 और 14 जून को जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है। ये पूरा एरिया जहाँ से लेके अगर आप कच्छ की बात करेंगे, कच्छ, पोरबंदर, देन द्वारका, देन जे अमरेली एंड अप टू भावनगर के, ये सारे डिस्ट्रिक्ट को इम्पैक्ट करेगा। और जहाँ के लिए हमने जो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स की वार्निंग दे रखी है वो है विंड स्पीड 110 से लेके 120 किलोमीटर, गस्टिंग टू 135 मीटर्स के लिए हमने जो पूरा एरिया उसमें स्टॉर्म सर्ज एज वेल एज विंड वार्निंग के लिए कवर कर रखा है। इस तूफान के बाद उम्मीद है कि उत्तर भारत को भी गर्मी से थोड़ी राहत मिल पाए। आज तक ब्यूरो। प्रचंड गर्मी से त्राहिमाम कर रहे लोग अब आसमान की तरफ एकटक देख रहे हैं इस उम्मीद में कि इंद्र देवता की अब मेहरबानी हो। विशेष मैसे के साथ बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।